यह गीत जिसे आपने सुना वह केवल एक गीत नहीं है, बल्कि भारतीय संगीत की दुनिया में उठी एक ऐसी आंधी थी जिसने विशाल बरगद छरी की लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी स्थापित गायिकाओं को पूरी तरह से हिला डाला था। इस गीत को गाने वाली गायिका कोई बड़ी गायिका नहीं थी, बल्कि हिंदी संगीत की दुनिया में बिल्कुल नई नवेली गायिका थी जिसे पहले कभी नहीं सुना गया। इस गायिका ने बहुत ही कम गीत गाए, लेकिन उनके गाए गीतों ने कई बड़ी गायिकाओं की नींद हराम कर दी। होना तो यह चाहिए था कि उस नए गायिका की प्रतिभा को सराहा जाता और आगे बढ़ाया जाता, लेकिन हुआ उल्टा। उस समय की बड़ी गायिकाओं ने उस नए गायिका के खिलाफ ऐसी साजिश रची कि उस गायिका को फिल्मी दुनिया को आखिरकार छोड़ना ही पड़ गया। इस वीडियो में उसी गायिका की कहानी बताने जा रही हूँ जो बड़ी गायिकाओं की साजिश और गंदी राजनीति की शिकार हो गयी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला आपका पसंदीदा चैनल ग्रेट लेजेंड्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से आधी शताब्दी से भी अधिक समय पहले फिल्म संगीत की दुनिया में उभरने वाली गायिका ने इस गीत को गाकर कई मायनों में इतिहास रच दिया था। इस गीत को गाने वाली गायिका है शारदा, जिनका पूरा नाम है शारदा राजन आयंगर। अपने पहले ही गीत से फिल्म संगीत की दुनिया में हंगामा मचाने वाली गायिका आज गुमनामी के पर्दों में खो गई हैं। लेकिन उस गायिका की दास्तान को दुनिया के सामने लाना जरूरी है। शारदा का जन्म 25 अक्टूबर 1937 को तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। तमिल भाषी होने के बावजूद बचपन में ही उन्हें हिंदी गानों से प्रेम हो जाना आश्चर्य का विषय है, वह भी तब जब उन्हें फिल्में देखना तो दूर गाने सुनने की भी अनुमति नहीं थी। उनके घर में एक रेडियो तक नहीं था। वह जब घर से बाहर निकलती तो रेडियो पर बजने वाले गानों को बड़े ध्यान से सुना करती थी। रेडियो पर प्रसारित हिंदी गाने उन्हें बहुत असरदार लगते थे। उन गानों को वह तमिल में लिख लेती थी और अकेले में गुनगुनाया करती थी। एक दिन उनकी माँ ने नहाते हुए शारदा को गाते हुए सुना तो वह हैरान हो गई। उन्होंने सोचा क्यों ना इसे संगीत की शिक्षा दिलाई जाए। बाद में उन्होंने अपने परिवार की आज्ञा से कर्नाटक संगीत की ट्रेनिंग ली। धीरे धीरे उन्हें अपनी सुरीली आवाज से ख्याति मिलने लगी और उन्हें समारोहों में गाने के मौके मिलने लगे। बाद में उनका परिवार तेहरान चला गया। तेहरान में आयोजित जिन पार्टियों में भारतीय आते थे वहाँ शारदा हिंदी फिल्मों के गीत गाया करती थी। वहाँ एक दिन एक ऐसा इत्तेफाक हुआ जिसने शारदा की किस्मत को पलट कर रख दिया। फिल्मों के बहुत बड़े वितरक श्रीचंद हिंदुजा इन दोनों तेहरान में ही थे। जब राज कपूर साहब तेहरान आए तो उनके स्वागत के लिए एक पार्टी आयोजित की और शारदा को उसमें गाने के लिए आमंत्रित किया। राज साहब ने जब शारदा का गाना सुना तो बोले, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, कभी मुंबई आना तो मुझसे मिलना। कुछ समय बाद शारदा जब मुंबई आई तो उन्हें यह देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि राज कपूर ने उन्हें झट से पहचान लिया। उन्होंने शारदा से एक गीत गवाया जो सबको बहुत पसंद आया। राज साहब ने शारदा को संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन जी के पास भेजा, जो फेमस स्टूडियो में बैठा करते थे। जब वो वहाँ पहुँची तो वहाँ शंकर जी मिले। उन्होंने शारदा को सुना और वह शारदा की शोक और कमसन आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उस आवाज को इस्तेमाल करने का मन बना लिया। शंकर जी ने गुरु जगन्नाथ प्रसाद जी से शारदा को संगीत की तालीम दिलाई, जिन्होंने मुकेश जी को भी संगीत की तालीम दी थी। फिर शंकर जी ने शारदा को सुगम संगीत की ट्रेनिंग दिलाई। शंकर जी शारदा को नियमित रूप से स्टूडियो में बुलाया करते थे जहाँ वह गानों की रिहर्सल सुना करती थी, फिर उन गानों को खुद गाकर भी प्रैक्टिस करती थी। इससे शारदा को बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर वह दिन भी आया जब शंकर जयकिशन ने शारदा से फिल्म सूरज के लिए दो गाने गवाए।
और जिसने भी ये गाने सुने शारदा की आवाज पर फिदा हो गया। इस गाने ने शारदा को रातों रात स्टार बना दिया। उन्होंने फिल्म मनोज कुमार और नंदा स्टारर फिल्म गुमनाम के लिए भी शारदा से एक गाना मोहम्मद रफी साहब के साथ रिकॉर्ड कराया। उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए उनके गाए तितली उड़ी गीत और रफी साहब के गाए बहारो फूल बरसाओ गीत को बराबर बराबर वोट मिले। उन दिनों प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी में मेल और फीमेल सिंगर के लिए एक ही अवार्ड होता था। उस साल का अवार्ड हालांकि मोहम्मद रफी साहब को मिला, लेकिन शारदा के गाने को इतना पसंद किया गया कि शारदा को भी एक स्पेशल अवार्ड दिया गया। इसके साथ ही शारदा ने इतिहास रच दिया। अब तक जो नहीं हुआ था वो हुआ। अगले साल से फिल्मफेयर ने पुरुष और महिला गायकों के लिए अलग अलग अवार्ड देना शुरू कर दिया। इसके बाद इनके गाए गानों को लगातार 4 वर्षों तक फिल्मफेयर अवार्ड्स में नामांकित किया गया। शंकर जी का शारदा की आवाज और मेहनत पर भरोसा बढ़ता गया। 1967 में शंकर जयकिशन के संगीत से सजी फिल्म आई अराउंड द वर्ल्ड में शारदा की आवाज ने फिर जादू किया, लेकिन उनकी कामयाबी लता मंगेशकर के लिए जलन का कारण बन गई और लता मंगेशकर ने शंकर जयकिशन के लिए गाना बंद कर दिया। उस दौरान शारदा के खिलाफ साजिश और राजनीति शुरू हो गई। शारदा के खिलाफ झूठी बातें फैलाई गई। कहा जाने लगा कि शारदा की आवाज बेकार है, लेकिन शंकर ने किसी की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उन्हें शारदा की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। वह लगातार शारदा को मौके देते जा रहे थे और शारदा कामयाबियां हासिल करती जा रही थी। हैरत इस बात की है कि उस उभरती हुई प्रतिभाशाली गायिका को शंकर जयकिशन के अलावा केवल उषा खन्ना ने ही मौका दिया। शारदा से गाने तो गवा लिए जाते थे, लेकिन फिल्म रिलीज होने तक वह गाने फिल्म से बाहर कर दिए जाते थे। मेरा नाम जोकर में शारदा से 3 गाने गवाए गए, लेकिन ये गाने फिल्म में शामिल नहीं किए गए। और भी कई फिल्में रही जिनमें इनके गाने शामिल नहीं हुए। इसके बावजूद शारदा संगीत में डूबकर लगातार रिहाज करती रही। फिल्मी दुनिया में शारदा का ना तो कोई गहरा दोस्त था ना ही सहारा, सिर्फ एक शंकर ही थे जिनका संरक्षण उन्हें हमेशा मिलता रहा। मगर दूसरे बड़े संगीतकार गाने का मौका देने से कतराते रहे। इस राजनीति ने शारदा को बड़ी बुरी तरह से परेशान कर दिया, लेकिन वह जल्द हार मानने वाली नहीं थी। आखिरकार शंकर की सलाह पर उन्होंने संगीतकार के रूप में एक नया अवतार ले लिया। उन दिनों निजी गीतों का बाजार अस्तित्व में नहीं आया था। फिल्मी गीतों के अलावा या तो भजन गीत जारी किए जाते थे या फिर गजल या कवाली गीत जारी किए जाते थे। शारदा ने खुद के 8 गीत तैयार किए जिसे HMV ने जारी किया। शारदा का ये नया प्रयोग प्रचलित जरूर हुआ, लेकिन उन्हें उतनी शोहरत नहीं मिली। शारदा तब भारत में पॉप गानों के लिए माहौल नहीं बना पा रही थी। कहा जाए तो ये समय से आगे के गानों को प्रस्तुत कर रही थी। उन्होंने गरीबी हटाओ, मंदिर मस्जिद, मैला आंचल, तू मेरी मैं तेरा, क्षितिज आदि फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। उनके संगीत निर्देशन में आशा भोसले, मुकेश, मोहम्मद रफी साहब, मन्ना डे, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर आदि ने गाया। वह रफी साहब की बहुत बड़ी प्रशंसक थी और उनसे गायकी के गुर सीखा करती थी। संगीतकार के रूप में शारदा को केवल B-grade फिल्में ही मिली, जिसके कारण संगीतकार के रूप में उनके करियर में रुकावट आने लगी। फिर भी वह हालात का बहादुरी से मुकाबला कर रही थी, पर नियति को कुछ और मंजूर था। शारदा के लिए साल 1987 बहुत ही बुरी खबर लाया। फिल्मी दुनिया में उनका एकमात्र सहारा यानी शंकर ने दुनिया से विदा ले लिया। उन्हें संगीतकारों से गाने का कोई काम नहीं मिल पा रहा था और ना ही संगीत निर्देशन के लिए फिल्में मिल रही थी। ऐसे में शारदा को यकीन होने लगा कि उन्हें गाने के मौके शायद ही मिले। ऐसे में उन्होंने फिल्म जगत से और फिल्म संगीत से किनारा कर लिया। लंबे वक्त तक फिल्मी दुनिया में अपने खिलाफ चली साजिश और सियासत से डटकर मुकाबला करने वाली शारदा की कमसिन, शोक और अलहड़ आवाज की आखिरकार फिल्मों से विदाई हो गई।
शारदा अब भी समारोहों में गाती हुई नजर आती हैं, लेकिन कभी किसी की शिकायत नहीं की। हालांकि उन्होंने महसूस कर लिया होगा कि आगे बढ़ने के लिए दुनिया में दो ही तरीके हैं, या तो आप अपनी काबिलियत से आगे बढ़े या आगे जा रहे किसी काबिल का रास्ता रोककर आगे बढ़े। दुर्भाग्य से कुछ बड़े लोगों ने शालीनता के लिबास में दूसरे काबिलों का रास्ता रोककर खुद को आगे बढ़ाने का रास्ता चुना। शारदा के खिलाफ किसने साजिश और सियासत रची ये बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप शारदा के बारे में और शारदा को लेकर हुई राजनीति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेके आ जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।